गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं अपने चैनल ग्रीन अक्स 3331 के माध्यम से आपको जो है कुछ बातें बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए 12 सिंगर का पेड़ है, कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से जो है प्रोपेगेट किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, इसकी कलम कैसे लगती है। बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए जो मैं टेरिस के छत पर लगाया हूँ, अपने छत पर लगाया हूँ टेरिस पर, जबा काटा हुआ हूँ प्लास्टिक का, इसी में लगा दिया। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी छोटी पत्तियाँ आती है, पत्तियाँ मैं आपको दिखा दी करीब से। ये देखिए पत्ती इसकी, ये देखिए पत्ती इसकी, देख रहे हैं इसमें डंडी ही रहती है, इसीलिए इसको जो है इस 12 सिंगा के सींग की तरह होती है, इसलिए इसको 12 सिंगा पेड़ के नाम से ही जानते हैं, 12 सिंगा इसको बोलते हैं। और बहुत प्यारा लगता है ये, पानी इसको कम चाहिए। देखिए मैंने इसको जो है बारिश में एक डंडी की शाखा तोड़ के लगा दिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस पेड़ के चंपा के पेड़ मैंने लगा दिया था, कलम तोड़ के डंडी, कितना बढ़िया फसल का सीन लग गया है। अब इसको मैं निकाल के कहीं भी लगा सकता हूँ, दूसरे गमलों में या किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ। तो इससे हमको ये फ़ायदा है कि लोगों को बांटता भी रहता हूँ मैं, दूसरों से मैं पेड़ भी लेता रहता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से मैंने जो है छोटे पेड़ को डेवलप किया है कलम लगा के। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, आप कहीं ये पेड़ दिख जा रहा है, तो एक डंडी बस पेंसिल के मोटाई के बराबर आप तोड़ लीजिए और उसको चुपचाप ला के नम मिट्टी में खोद दीजिए, आपका पेड़ जो है एक हफ्तों में बन जाएगा और वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सौदारी, बहुत प्यारा लगता है हमको ये। न इसमें पानी देना है कि ज़्यादा, न इसमें जो है कोई देखभाल करना है, ये ऑटोमेटिक डेवलप होता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, सब बात करें।